नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। आज का वीडियो सभी पति पत्नी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज जानेंगे कि हम पति पत्नी अगर एक साथ खाना खाते हैं तो उसका रहस्य, उसके गुप्त राज, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप, बहुत से लोग गलती करते हैं कि पति पत्नी प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि एक साथ थाली में भोजन करते हैं, और दोस्तों इसका शास्त्र में क्या कहा गया है संपूर्ण जानकारी विधिपूर्वक बताऊँगा, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पति पत्नी हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। संपूर्ण विधि जानकारी बताऊंगा कि आप पति पत्नी एक थाली में खाएंगे तो बर्बाद हो सकता है घर, जानिए क्या कहता है शास्त्र। दोस्तों बहुत ही जरूरी वीडियो, संपूर्ण वीडियो देखिएगा, और वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कमेंट बॉक्स पर जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों बहुत ही जरूरी वीडियो है सभी के लिए, सभी के लिए जरूरी। दोस्तों अब संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार ने ले ली है। परिवार में रहन सहन के तौर तरीकों में कई बदलाव भी आए हैं। इसमें खाने की आदतों में भी बदलाव शामिल है। आजकल कई परिवारों में पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं। पति पत्नी के संबंधों के दृष्टिकोण से यह उचित प्रतीत हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके बीच में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने भी इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। इसका संपूर्ण विवरण इस वीडियो में दिया गया है, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों हम बताएंगे एक थाली में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए पति पत्नी को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंग बली महाराज की। भीष्म पितामह ने आदर्श जीवन के बारे में कहा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कई रिश्ते बनाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इस जिम्मेदारी को सभी को निभाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि उन सभी के साथ मधुर संबंध हो। यदि आप पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। अगर पति पत्नी एक साथ खाना खाते हैं तो फिर परिवार को नहीं देख पाते हैं और वो साथ में ही खाने बैठ जाते हैं, जो कि एक गलत बात है। ऐसे में वो अन्य सदस्यों की उपेक्षा करने लगेंगे। इससे घर में कलह और कलह होना आम बात भी है। इस प्रकार एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को खुशियों में बर्बाद कर सकती है, खुशियाँ उनकी पूरी बर्बाद कर देगी। सही गलत की पहचान खो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम ही पति को बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है और वह सही और गलत का भेद खो देता है। यह स्थिति परिवार के मुखिया के लिए उपयुक्त नहीं है। बेहतर होगा कि पति पत्नी एक ही थाली में भोजन न करें और पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाएगा। इससे परिवार में एकता और प्रेम भी बढ़ता है और सभी के आपस में अच्छे संबंध रहेंगे। एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना बढ़ती है। इससे परिवार में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर कोई आपके द्वारा परोसी गई थाली को पार कर जाता है, जिसे कहते हैं हम, अगर थाली रखी है, अगर किसी ने उसको पार कर दिया तो वह भोजन मिट्टी के समान दूषित माना जाता है। इसे आपको जानवर को खिलाना चाहिए। वहीं अगर किसी का पैर परोसने की थाली में ठोकर खा जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भोजन बहुत ही गरीबी लाता है, आर्थिक तंगी लाता है। जिस भोजन में बाल निकले हों उसे नहीं खाना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको पूरा वीडियो देखना है, सब कुछ बताऊंगा विस्तार से, संपूर्ण जानकारी। दोस्तों पति पत्नी को एक साथ खाना एक तरह से देखा जाए तो प्यार और सम्मान की भावना तो जरूर बढ़ती है, लेकिन अगर पति पत्नी एक साथ खाते हैं और पत्नी पति का जूठा खाना खाती है, लेकिन कई बार प्यार में पति पत्नी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिन्हें परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही काम है पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना। धर्म और यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी पति पत्नी के एक थाली में खाने को अच्छा नहीं कहा गया है। ऐसा करने से परिवार की सुख समृद्धि में बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों पति पत्नी को एक ही प्लेट में क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका कारण महाभारत में बताया गया है। दोस्तों जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। धर्म से जुड़ी विभिन्न बातें बताने के अलावा भीष्म पितामह ने व्यवहारिक जीवन से जुड़ी बातें कुछ पांडवों को सिखाई थी, जिसमें पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने के लिए साफ मना किया था। ऐसा करने से परिवार में कई तरह की समस्याओं से परिवार घिरा हुआ होता है।
दोस्तों पीछे छूट जाते हैं बाकी रिश्ते। कहा जाता है कि एक साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, इस लिहाज से पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अच्छा है, लेकिन परिवार के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से दोस्तों पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, परंतु परिवार के और दूसरे लोगों के साथ वो प्रेम घटता नजर आता है। ऐसे में पति सही गलत की पहचान खो बैठते हैं दोस्तों। इसलिए धर्मशास्त्र में कहा गया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे, इससे घर के सभी सदस्यों की प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों पहले के ज़माने में देखिए क्या होता था कि कोई भी पत्नी अपने पति को अपना झूठा खाना नहीं खिलाती थी, लेकिन बदलते समय में यह सब आम बात हो गया है। आजकल आप अक्सर देखते होंगे कि पति पत्नी दोनों एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं, यहाँ तक कि पत्नी अपना झूठा पति को खाना खिला देती है, जिसका बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। और पति को अपना झूठा खिलाने से क्या पाप लगता है, और अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। क्या पति पत्नी को साथ में खाना सही है दोस्तों, और पति और पत्नी को एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए, यह सारी जानकारी संपूर्ण वीडियो में मिलेगी। दोस्तों पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए, दोस्तों पत्नी का प्रेम पति पर हावी होता है, पति को भगवान का दर्जा दिया गया है, घर में दरिद्रता का वास होता है, पारिवारिक सुख में कमी आती है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, परिवार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पति पत्नी का एक साथ थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। दोस्तों पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाना खाने से वास्तु दोष माना गया है, जिस कारण से पति पत्नी को एक थाली में नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ नहीं खाने का बहुत से कारण बताए गए हैं, और खासकर हिंदू धर्म में पति को अपना झूठा कभी नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भोजन के बारे में कई रहस्य बताए गए हैं, यदि कोई भोजन को लांग दे तो ऐसा भोजन खाने योग्य बिल्कुल भी नहीं होता है। भोजन करते समय थाली छोड़कर उठना नहीं चाहिए, पूरा भोजन करने के बाद ही उठना चाहिए। और उन्हें दोस्तों जी आपके सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, पति भले ही कोई आपका कितना भी प्रेम करता हो, लेकिन पत्नी का भी फर्ज बनता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस कारण से उसके ऊपर पत्नी का प्रेम हावी हो सके और वह अपने पत्नी से कुछ नहीं बोल पाता है। कोई ऐसा पति होते हैं दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियां पति को भगवान का दर्जा देती हैं, पति को भगवान जैसा पूजा जाता है। दोस्तों करवा चौथ, हरितालिका, तीज व्रत, सावित्री व्रत जैसे पूजा अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिसमें पति का पूजन किया जाता है और पति को भगवान माना जाता है। उसे अपना जूठन कभी नहीं खिलाना चाहिए, जिस कारण से भी पति और पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति को झूठा खिलाने का मतलब है भगवान को झूठा आपने खिला दिया, जिस कारण से पति को झूठा खिलाने से पत्नी बहुत ही पाप की भागीदार बनती है। इसलिए अपने पति को कभी भी झूठा नहीं खिलाना चाहिए, और ना ही कभी पति पत्नी को एक थाली में एक साथ भोजन करना चाहिए। हाँ यदि पति को भोजन करने के बाद उसके थाली में कुछ शेष खाना बच जाता है तो उसे प्रसाद के रूप में पत्नी को पति के थाली में बचे भोजन को ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि पति को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान का झूठा प्रसाद होता है, जिस कारण से कोई भी सुहागन स्त्री अपने पति का झूठा प्रसाद ग्रहण कर सकती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पति पत्नी को एक थाली में एक साथ खाने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होता है, लक्ष्मी उस घर पर कभी नहीं रहती है और वह हमेशा परेशान रहते हैं, और उस व्यक्ति को धन की कमी होने लगती है। दोस्तों उसके साथ उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है, वह बिल्कुल निर्धन हो जाता है। शास्त्रों में पति पत्नी के बारे में बहुत सा उल्लेख दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पति पत्नी को एक थाली में खाने से घर में दरिद्रता आती है। घर में दरिद्रता आने जानने का कारण यही होता है कि आपको एक साथ नहीं खाना है। दोस्तों पति और पत्नी को भोजन करना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों पति पत्नी को एक साथ थाली में खाने से पारिवारिक सुख में कमी आ ही जाती है। ऐसे में बताया गया है कि पति पत्नी को एक साथ एक थाली में खाने से पत्नी के अशुभ विचार पति के मन में जगह बना लेती हैं, जिन कारण से पति पत्नी के बीच में प्यार की कमी आ जाती है और पति पत्नी के बीच दूरी होने लगती हैं। ऐसा होने से किसी भी व्यक्ति के मन के अंदर की किसी का भी अशुभ विचार आता जाता रहता है, तो उसके मस्तिष्क के अंदर सोचने की शक्ति कम हो जाती है और वह हर काम उल्टा करने लगता है। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, जिस कारण से पति और पत्नी के एक साथ रहने पर एक
दूसरे से सही ढंग से बात नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे पारिवारिक सुख में कमियां आने लगती हैं। दोस्तों, मन में नकारात्मक विचार आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ थाली खाने से उन दोनों के मन में अंदर नकारात्मक विचार भी उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि यदि आप एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो यदि उसके मन में कोई नकारात्मक विचार है तो आपके मन में भी आ जाएगा, यानी एक साथ भोजन करने से विचार का आदान प्रदान होता है। लेकिन आजकल लोगों का मानना है कि पति पत्नी को एक थाली भोजन करने से आपसी प्रेम संबंध बढ़ते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे बिल्कुल भी उचित नहीं बताया गया है। दोस्तों, पति का प्रेम बढ़ता है न कि पत्नी, पति पत्नी एक साथ भोजन करने से आपसे प्रेम बढ़ता है। और बड़े बुजुर्ग हमेशा सुने होंगे कि अपने पति को कभी भी झूठा खाना नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा सभी लोग कहते हैं। दोस्तों, परिवार पर इसका तो बुरा असर पड़ता ही है। तो आप गांव में कोई भी स्त्री अपने पति के साथ एक साथ भोजन नहीं करती है, क्योंकि गांव में सामाजिक परंपरा के अनुसार कोई भी महिला अपने पति के साथ भोजन करने वह सोचती है कि हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम अपने पति को अपना झूठन नहीं खिला सकते। यह हमारे परंपरा के खिलाफ है। उसे बचपन से ही उचित शिक्षा दी जाती है, जिस शिक्षा के आधार पर वह अपने पति को भगवान मानती है और भगवान को कभी भी अपना झूठन नहीं खिलाना चाहिए। और जब उसके परिवार उसके साथ में हो तो उसे ऐसी शर्मिंदगी महसूस होता है और अपने पति के साथ भोजन नहीं करना चाहती है। जब उसका पति भोजन कर लेते हैं उसके पश्चात ही वह भोजन करती है। दोस्तों, हमारे संस्कृति को बचाए रखने में बुजुर्गों का काफ़ी योगदान रहा है। पूर्व समय में आप देखे होंगे कि आपके दादा दादी यह बात सुने होंगे कि जब किसी लड़की की शादी होती थी और वह ससुराल जाता था तब वह कई दिनों तक घूंघट में रहते थे, क्योंकि शादी के बाद घूंघट में रहना सांस्कृतिक माना जाता है और यह अक्सर गांव में हुआ करता था, जिसे लोग पूरी श्रद्धा के साथ निभाते थे। और उसी संस्कृति को बचाए रखने के लिए पति पत्नी कभी भी एक साथ एक थाली में खाना नहीं खाते थे। जब पूरे घर के सदस्य खाना खा लेते थे उसके बाद ही घर की औरत खाना खाती थी, जिस कारण से उस समय के लोग अपने परिवार में सुख चैन की ज़िंदगी जीते थे, एक दूसरे के मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, आपको ये वीडियो, आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आप भी पति पत्नी एक साथ भोजन करते हैं तो ये आपको सोचना होगा कि ये एक तरह से गलत बात है, शास्त्रों में भी इसका गलत बताया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें YTPS माइंड को। फिर किसी नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। तो मिलते हैं नए वीडियो पर। जय बागेश्वर धाम की जय।